का केस जो हुआ था डंपर का, उसके अंदर एक जने की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बारे में प्रशासन का क्या रवैया रहा? खेजड़ी में डंपर चालक ने दो गरीब किसान के बेटों को टक्कर मार के खत्म कर दिया। ठीक, न तो कोई पुलिस की जवाबदेही है, न प्रशासन की जवाबदेही है, खुलेआम ये डंपर चल रहे हैं और दिन दहाड़े सुबह को वहाँ पर मजदूर। दूसरा, हॉस्पिटलों की सुविधा बिल्कुल, डॉक्टरों की कोई सुविधा नहीं है, चरमराई हुई है। शिक्षा व्यवस्था पूरी गड़बड़ाई हुई है। राजस्थान के अंदर 300 स्कूल पीपीपी बोर्ड के नाम पे बंद हैं। हम लोग इसकी पूरी खिलाफत करते हैं और राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि अगर शिक्षा व्यवस्था जैसी अगर चीज़ को भी ये पीपीपी बोर्ड पे डाल देंगे तो फिर राज्य सरकार का काम क्या रहेगा, सबसे बड़ा सवाल यह निशान है। और आज बहुत बड़ा सर्वे राजस्थान के अंदर आया है और उस नौकरी दी जाए, उस मृतक के परिवार के लिए भरण पोषण की व्यवस्था की जाए, तब एडीएम सिटी, एडीएम ग्रामीण, एडिशनल एसपी, एसपी सब मौके पे आए। हमने वार्ता की और शाम को 6 बजे जब हमारी वार्ता सफल हुई, हमने वहाँ से धरना उठाया और उस परिवार को आपके मुआवजे की अभी तक उन्होंने घोषणा की पूरी नहीं की। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि समय रहते अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया और इस तरीके के एक्सीडेंट्स अगर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नहीं रुके तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। के बारे में आप अगर कुछ कहना चाहें तो, राजस्थान के अंदर अभी हाल ही के अंदर 3 उपचुनाव हुए जिसमें 17 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को स्पष्ट मैंडेट दिया और ऑटोमेटिकली 1 साल पहले राजस्थान की जनता को यह मौका मिला कि आने वाले समय में किस प्रकार से राज को चुनना है। तो मेरे ख्याल से ये समझ जाना चाहिए, पब्लिक ने स्थिति क्लियर कर दी है कि राजस्थान के अंदर आने वाला समय कांग्रेस का है और हम लोग जोधपुर आ रहे हैं। और तेजली चौराहे पर डंपर ने लापरवाही पूर्वक उनके ऊपर चढ़ा दी, जिसमें एक की मौके पर मृत्यु हो गई और एक अभी भी गंभीर हालत के अंदर अस्पताल में। हमने ग्रामीण के अंदर इसका भारी रोष, हमने मौके पर जाकर धरना दिया और हमने पुलिस प्रशासन को वहाँ बुलाया, पुलिस थाना अधिकारी वहाँ 3 घंटे बाद, तब हम लोगों के अंदर भारी रोष व्याप्त हुआ और हमने पूरे दिन धरना दिया, प्रशासन को मौके पर आने के लिए मजबूर किया। हमने मांग की कि उस मृतक के परिवार। सर, ये अपने राजस्थान सरकार के बारे में, जो सरकार के 4.5 साल पूरे हुए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हूँ, जो कि लूणी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अतर मैं यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में काम करता हूँ। बजरी का मुद्दा इतना भारी है, सुप्रीम कोर्ट ने बजरी को बैन कर रखा है, राज्य सरकार वैसे की वैसे ग्राम पंचायतों को टेंडर अलॉट करती है, वो टेंडर काम करवाते हैं। फिर सरकार ने, जैसा मैंने पहले बताया, 4 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर कुछ नहीं किया, उल्टा जातियों की जातियों के खिलाफ कर दिया, एक व्यमनस्य की भावना से काम किया, आपस में जातियों को लड़ाने का काम किया और हमारे राजस्थान के अंदर जो अच्छा माहौल था मिलजुल कर रहने का, जाति धर्म सब साथ रह के काम करते थे, भारतीय जनता पार्टी ने सबको लड़ाने का।